ये परंपरा होती है माहौर लगाने की। तो साधना मम्मी को माहौर लगा रही है पैरों में। परंपरा नहीं हो, स्वागन होता है और कोई लगा परंपरा। जानो ना सानो, कोई की मानो भी ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हुआ है 8:30। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज तीज है, तो साधना व्रत है आज। तो देखते हैं क्या पूजा कैसे क्या होता है, जो भी होता है आज के ब्लॉग में आपको सारा सब कुछ दिखाएंगे हम आपको। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है आज तीज है, तो साधना ने देखिए गणेश जी बनाए हैं और शंकर जी, और ये देखिए पार्वती। तो इन्हें अकौआ के पत्तों पे इन्हें बैठाला है, तो बेल पत्र आएंगे तो उन पे बैठा लेंगे। फिलहाल देखो, फिलहाल देखो कितनी बढ़िया कारीगरी दिखा के उसने बनाया अपने हाथों से, बढ़िया लग रहे हैं। ये आज के व्रत में पूजा होगी भगवान जी की, उसी लिए ही बनाया है साधना ने। और ये थोड़ी सी तैयारी पहले से ही थी, तो थोड़ी सी और ये देखिए आज इनने फूल वूल लगा दिए यहाँ पे। और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए गाइस, अंदर तैयारियाँ चल रही हैं व्रत पूजा की। आज बेचारी फास्ट है और देखो कुछ खाया भी नहीं है और लगी पड़ी है बनाने के लिए। प्यास नहीं लग रही? अरे का झूठ बोल रहा है, नहीं कसम से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नींद नहीं आ रही? नहीं। भूख? ना भूख प्यास कुछ नहीं था, शिव जी का आशीर्वाद है। अच्छा, तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक इसने कुछ भी नहीं, ना तो पानी पिया ना ही कुछ खाया है, बस तैयारियों में लगी हुई है। चलो ठीक है, फिर जैसे भी जो भी होता है आगे दिखाएंगे आपको। पीछे साधना की तैयारियां चल रही हैं और ये साधना ने सामान लिखा है, तो ये सामान लेने के लिए जाना है मैं मार्केट। थोड़ा सा है, बाकी काम में पूरी व्यवस्था कर ली। तो मास्क लगा के जा रहा हूँ। ये मत सोचना गाइस कि वैक्सीन लग चुकी है तो हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सुरक्षा रखनी है, अपनी ख्याल रखना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ तो मास्क लगा के जाओ, और सारी सेफ्टी जो हम पहले रख रहे थे वही पूरी सेफ्टी रखनी है हमें। और देखिए पीछे तैयारियां चल रही हैं। चलो तो चलते हैं सामान लेने मार्केट। तो दोस्तों हम सामान ले आए, देख लिया, चेक कर लो पहले एक बार जल्दी से सामान। ये देखिए इनकी तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। आम के पत्तों की ये माला बना रही हैं शायद। और देखिए हमारे भगवान जी तैयार हैं ही, इन्होंने बनाए हैं जो। इनकी पूजा की थाली भी तैयार हो गई, ये भी तैयार। बाकी ये मुझे पता नहीं है किस चीज़ के लिए लगेगा, बट धतूरा वगैरह फूल वूल दू समीर पत्र फूल जो सब शंकर जी को चढ़ते हैं, सब शंकर जी को चढ़ेंगे ये बेल पत्र वगैरह। और ये सारा सामान फूल माला वगैरह मिठाई दही और जनेऊ पान चुनरी माता की, ये देखो चुनरी देख लो, इसमें सारा सामान चेक कर लो एक बार। पान लगे लगाए नहीं मिले? पान लगे लगाए वो पान खाने वाली दुकान पे मिल रहे थे, तो वहां से मैंने लिए नहीं। तो माता रानी के लिए पैसे लगा देते? नहीं, दुकान पे मिल नहीं रहे थे। अरे वो ही लगा देते माता के अलग से, ये कमल गट्टे। तो सारा सामान मैं ले आया हूँ, चेक कर लो तुम। हम और मम्मी खेत से आ चुके हैं। ये देखिए मम्मी को दिखा रही हैं कि इन्होंने जो बनाए हैं भगवान जी को, ये दिखा रही हैं मम्मी जी को लाइट जला के। तो गाइस तैयारियां पूरी हैं हमारी पूजा की, बाकी रात भर भैया इनको ही काम है जगबी को, और ना कुछ खावे। मैं थोड़ी ना पास हूँ, नींद आ जाए तो सो जाओ, नहीं आए नींद तो जगत रहा। ठीक है, वो ये देखिए गाइस, आज इनका फास्ट है, तो इनने स्पेशली नए कपड़े पहने हैं फास्ट के लिए, पूजा के लिए। कोरे कपड़ा पहनने तो इनके जो भाई
सूट हमने दिलाया था इन्हें, तो नया ही है। और ये चुनरी इन्हें डाल ली ऊपर से, चुनरी हमारी शादी की है, शादी की चुनरी है भाई, सुहाग वाली चुनरी है। कौन सी वाली? सुहाग वाली, सुहाग वाली शादी में जोड़ी थी है। तो देखिए गाइस ये तैयार हो चुकी है, चलते हैं पूजा की तैयारियां देखते हैं। ये देखिए ये कैसे लेट के फोन चला रहा, मम्मी खीर खा रही और तैयारियां पूरी हैं। देख लीजिए गाइस उसी दिन की तरह, जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई थी वैसे ही हम लोग तीज भी मना रहे हैं। कितनी बढ़िया तैयारियां हैं, तीजा है मम्मी कह रही, तीज नहीं सब क्या भाई अलग अलग बोलते हैं, तीज हड़ताल का तीज बोलते हैं, तीजा बोलते हैं। तो गाइस सब तैयारियां हैं और पूजा होने के बाद फिर साधना को पूरे दिन बिना खाए पूरी रात ना पानी ना कुछ। तो देख लीजिए गाइस व्रत होता है कि बिना, आप लोगों को तो पता ही होगा क्या बताना है, लेकिन फिर भी बताता हूँ जिनको नहीं पता होगा। ये व्रत ऐसा होता है 24 घंटे तक ना तो सोना होता है, ना ही पानी पीना, ना ही खाना खाना। और ये देख लीजिए भगवान की पूजा तो होनी है, तो दिन भर से तैयारियां कर रही है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई बछाई लगाए फिर ये सारी तैयारियां साधना ने ही की हैं। अब मुझे एक चीज ये है कि तो गाइज एक चीज की तारीफ तो करनी पड़ेगी इसकी भाई, कि ना कुछ खाया ना पिया और उसके बावजूद भी इतनी मेहनत की है, पूजा की तैयारियां की है। थोड़ी सी मेहनत करो प्यास लगने लगती है, गर्मी का सीजन है वैसे ही, बट ये कर रही है पूजा, अच्छा है भाई। भल भगवान तुम्हें फल देंगे फल, ठीक है। अब वो फल मीठा रहे खट्टा रहे पता नहीं। जी क्या कर रहे हो? अच्छा देखिए गाइस भगवान का श्रृंगार हो चुका है, तिलक वगैरह उन्हें सब कुछ लग चुका है, उन्हें तैयार कर लिया है, बेलपत्री वगैरह, ये देखिए आन के पत्ते वगैरह, कमल गट्टे, लौंग, मतलब सब कुछ, फूल वूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी बैठी हुई हैं, आज पूरी रात भर जागना है भूखे प्यासे इसको, मम्मी भी जागेंगी आज पूरी रात ना। हम नहीं जाएगा कहाँ तक को पास ही नहीं, नहीं। जगत मम्मी कह रही हम जगत तो रथ लेकिन सूत नहीं है, जगत रथ का छूते नहीं फिर सो जाते। अच्छा चलो ठीक है, फिर इन्हें देखते हैं गाइस ये पूरी रात भर आज जाग पाती है या नहीं, देखते रहेंगे भाई। भाई मैं तो फोन दे दूंगा तो टाइम टू टाइम दिखाते रहना इस घड़ी में, अभी 8:30 बजे हैं, जरूरी नहीं आना तो मैं हमें दिखा, ठीक है। तो गाइस इस घड़ी में ये टाइम दिखाती रहेगी बार बार आपको कि अभी इतना बज गया इतना बज गया, तो इसका मतलब ये जाग रही है। देखो मेरा मुश्किल है मैं जाग पाऊंगा या नहीं जाग पाऊंगा, बट इसको फोन दे दूंगा तो ये घड़ी में आपको टाइम दिखाती रहेगी कि अभी इतना बज गया अभी इतना। कितने बजे तक सुबह जागना पड़ता है? 5 बजे तक, फिर 5 बजे के बाद सो जाओ। 5 बजे चलो ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है भाई, अभी तो बाकी फिलहाल पूजा जैसे जैसे होती जाएगी आपको दिखाते जाएंगे हम। ये देखिए गाइस ये परंपरा होती है माहौल लगाने की, तो साधना मम्मी को माहौल लगा रही है पैरों में। परंपरा नहीं हो सुहाग बनवाते हैं कोई लगा परंपरा जानो ना सानो कोई की मानो भी ना, तुम तो बहुत मान नहीं कह मोरी मोरी है कि और से और से नहीं है और लगा टाइम में लगा है मैं कुछ
तो गाइस ये अपनी फ्रेंडों से बात कर रही है जो इसके गांव में तीज व्रत हैं। सब लोग ससुराल से अपने घर आ गई हैं। देखो पूरी सब सासरे से अपने घर आ गई। कौन है जितने हेमा हैगी? देखो उमा उमा भी आ गई, रोशनी, अंजलि, सब जने अपने घर आ गए। वीडियो में तो रोशनी दिख नहीं रही। अच्छा उमा उमा। तो दोस्तों का लाइफ का चली गई इनकी, चल रही है अपने फ्रेंडों से बातें। टाइम पास नहीं हो रहा था क्योंकि इनका आज इनको पूरी रात भर कॉल कर रहे हैं। वैसे बस कॉल कर रहे हैं, पूरी रात भर जागना है इसलिए कॉल ही करती रहेंगी अब ये। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12 और ये देखिए इनको तो रात भर जागना है तो ये फोन में कुछ देख रही हैं, उसी से अपना टाइम पास कर रही हैं। और बगल में मम्मी भी सो गई हैं। आइए देखो टाइम भी आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए 12 बजने वाले हैं। भाई खूब स्ट्रांग है ये तो मुझे पहली बार पता चला यार, दिन भर इसने काम किया, थकान हुई, इतनी मेहनत के बाद ना कुछ खाना ना पीना और फिर रात भर जागना। इन्हें ट्राई करते हैं पानी देने की हम। लो मैं अरे पी लो। हमने आज तक नहीं पियो। आज तक पानी नहीं पियो? आज तक नहीं मतलब इतनी तेज आ गई। सब लोग तो ऐसे गले में घास डाल के और वैसे कुछ 12 के बाद पीने लगते थे कि मैंने आज तक नहीं पिया। थोड़ा सा पी लो। अरे कुछ नहीं होता, पी लो। मुझे नहीं पीना, प्यास ही नहीं लग रही। तो गाइस वो नहीं पिएगी मुझे पता है। चलो देखते हैं, फिलहाल तो 12 बज चुके हैं तो सुबह कैसे निकलती है इनकी। फिलहाल तो मैं जाग रहा हूँ। 1 बज चुका है राइट अपना, तो देखो किचन में कुछ कर रही है। इसके साथ मैं भी जाग रहा हूँ जिससे कि इसको कंपनी मिल जाए और इसको इसका टाइम पास होता रहे, इसको आसानी रहे जागने में। तो मैंने इसको बोला कि सो जाओ अगर नींद आए या प्यास लगे तो पानी पी लो, बट ना तो ये सो रही ना पानी पी रही। देखो जबरदस्ती मत करना, अगर प्यास लगे तो पी लेना ठीक है, और नींद आए तो सो भी जाना। भगवान तो मन देखता है, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं? होम के लिए आग जला रहे। अच्छा तो होम के लिए एक अंडा को सिलगा रही है यहाँ पे। तो सच बोल रहा हूँ मैं, देखो मुझे नहीं खाना अभी कुछ भी। तो सुनो मन सच्चा होना चाहिए, भगवान सब देखते हैं। अगर जबरदस्ती ना हो, अगर सहा ना जाए तो जबरदस्ती मत करना ठीक है। ओके बोला नहीं जा रहा बेचारी से ठीक है। सही है यार, जबरदस्ती नहीं करने चाहिए कोई भी काम। पी लो पानी, सच बता रहा हूँ, पी लो ना पानी। 3 घंटा और रह गए। चलो ठीक, अगर नहीं सा आ जाए ज़्यादा प्रॉब्लम ना होनी चाहिए किसी भी तरीके की ठीक है, वरना व्रत रखा अच्छे के लिए, खामों का कोई प्रॉब्लम हो जाए ठीक है, ज़्यादा जबरदस्ती मत करना। तो गाइज आप टाइम देख सकते हो 3:15 की देरी है और लाइटें सब बंद कर दी हैं क्योंकि मम्मी सो रही हैं और ये तो जाग रही है भाई। सही है, जागो जागो। तो गाइज अभी 3 रहे हैं, मेरा 4 होम लग गया है, अभी 5 बाकी है तो वो मैं 5 लगाऊंगी। इसके बाद शिव जी विसर्जन करूंगी। बम बम भोले। देखिए गाइस सामने बिल्ली बैठी हुई है, उसकी आंखें देखो कैसे चमक रही हैं। तो टाइम 3:30 बज चुके हैं। दोस्तों टाइम 4 बज चुके हैं, इनकी झाड़ू पोछा वगैरह सब लग चुका है, तैयारियां चल रही हैं इनकी, बाहर धो लेंगी। तो इनके व्रत का ये आखिरी होम था जो कि हो चुका है और इनकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे गणेश जी हैं, ये हमारे शिव जी हैं, ये हमारी माता पार्वती हैं। गणपति बप्पा मोरिया।
गणपति अब्बा की जय, भोलेनाथ की जय। कहाँ ले जा रहे भगवान को? अब अपने यहाँ नदी तालाब तो इतने दूर है तो घर में ही कर रहे विसर्जन। अच्छा, तो अब भगवान जी का विसर्जन होने जा रहा है। हर हर गंगे हर हर गंगे। तो गाइस ठाकुर जी के दर्शन कर लो सुबह 5 बजे, 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे का 12 से 12 हुए थे 24 घंटे, तो कल 12 से नहीं किया, करीब 30 घंटे, 30 घंटे बिना पानी बिना खाना पीना बेचारी ने बहुत ही कठिन उपवास रखा था। तीज मुझे तो पता नहीं था इतना खतरनाक होता है यार। ये सारे व्रतों का ना राजा रहता है, एकादशी में भी नहीं पीना पड़ता करवा चौथ में, लेकिन इसमें तो सबसे ज्यादा वो रहता। पिछली बार भी इसे रखा था बट उस टाइम मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और इस बार तो वीडियो बना तो बराबर रात भर जगते रहे इस मुझे काफी नींद आ रही है। लो। कोई बात नहीं, तुम खा लो, मैं तो खा, तुम खाओ पहले खाओ। तो फाइनली साधना ने व्रत तोड़ दिया है अपना साबूदाने की खीर से, और 30 घंटे लगभग इन्होंने बिना खाना पीना बिना सोए, काफ़ी मेहनत होती है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया तो भी प्लीज़ लाइक कर दो। साधना ने काफ़ी मेहनत की है इस व्रत को रखने के लिए, दिन भर काम भी किया इसने बहुत सारा, और उसके काम करने के बाद भूख प्यास लगती है, लेकिन फिर भी अभी जाकर पानी पिया है इसने, आप लोगों के सामने ही अभी पिएगी, फिलहाल अभी भी नहीं पिया है, सॉरी खीर ही खा रही है जस्ट। अगर एकदम से पानी पी लेंगे ना तो फिर, तो चलो आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। वैसे भी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी और शिव जी आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखे, और आप सब हमेशा खुश रहो और वीडियो देखते रहो। हाँ जी गाइस, तो सुबह के 5:30 बजने को हैं, तो ये ब्लॉग अभी भी बन रहा है और मैं सोया भी नहीं हूँ, तो देखो अभी तो अब सो रहा हूँ तो कितने बजे उठूँगा कोई अंदाज़ा ही नहीं है। फिर उसके बाद इसको एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, अपलोड तो हो जाएगा क्योंकि वाईफाई लग गया है तो जल्दी अपलोड हो जाता है, बट एडिटिंग के बाद एक्सपोर्टिंग भी होता है तो उसमें समय लग जाता है और एडिटिंग में भी। तो गाइज आज का ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और अगला ब्लॉग भी कैसे बन पाएगा पता नहीं, जो भी होगा तो सब एडजस्ट कर लेना अभी। चलो आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।